डोंट डू दोज वर्क दैट यू आर नॉट सपोज टू डू. सपोज टू डू इवन एक ठू भी नहीं करने का, क्योंकि अगर आप एक ठू वो काम कर दिए जो आप नहीं करने वाले थे और अब कर लिए, देन आपको अंदर से इनकरेज मिलेगा कि और भी जो काम सब है जो आपको नहीं करना है, जो आप अवॉइड कर रहे थे, वो सब भी करने मन करेगा. तो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैपन. यही चीज़ सब हुआ है. तो मैं भी आज थोड़ा लूज हो गया, वीडियो बना पाऊंगा कि भी नहीं वो सोच रहा था, लेकिन देन आई खुद को इन्वेंस किया. अब क्या कर सकते, वही तो ज़िंदगी है. आज मैं तीन वर्ड एक्नोलेज किया, वो वर्ड सबको. तब फेथ क्या होता है, आई हैव अ फेथ. तो वो फेथ एक टू थॉट प्रोसेस है और वो थॉट बहुत ही अमेजिंग होता है. ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ और लेकिन लिखा हुआ है ये चीज़. आई एम रीडिंग इट एंड आई एम सेइंग इट टू यू कि फेथ जो होता है वो एक थॉट प्रोसेस है. कि हम लोग फेथ कर रहे हैं कि जीसस के ऊपर कि वट एवर हैपन जीसस इज विथ अस. ये हम लोग का फेथ है. ये सच है कि नहीं हम लोग को नहीं पता, लेकिन ये फेथ है. और फेथ बहुत इम्पोर्टेंट है और नेसेसरी है, क्योंकि तरक्की कर रहे हैं फेथ के चक्कर में. हम लोग के पास है और बाकी एनिमल के पास नहीं है फेथ. दैट्स वाई वी आर नॉट एक्सटिंक्ट. हम लोग अभी तक लुप्त नहीं हुए हैं इसीलिए हैं. वन मोर वर्ड कम इज बिलीव. बिलीव और नो, ये दोनों में बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट है दोनों में. मतलब आप बिलीव वो चीज़ को करते हो जिसको आपको नहीं पता है कि ये सच है कि झूठ है या फिर है कि नहीं, उसको आप बिलीव बोलते हो. कि मतलब अब मैं बिलीव करता हूँ कि देर इज़ अ गॉड. आई बिलीव इट. आई डोंट नो इट. आई बिलीव इट. एंड मैं बिलीव करता हूँ कि आई विल बी ए ग्रेट हस्बैंड. ये मैं बिलीव करता हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, ये मैं बिलीव करता हूँ. देन इट्स कम टू नो. नोइंग थिंग्स मतलब नोइंग, नो होता है पता है, वो बिलीव से अलग होता है. नो मतलब जानना. कि मैं अब ये नहीं बोल सकता कि मैं बिलीव करता हूँ कि मेरे पास दो हाथ है, ये मेरे पास प्रूफ है कि आई हैव टू हैंड्स. आई नो इट. तो ये नो है. तो दिस थ्री वर्ड्स आई लर्न टूडे की फेथ, बिलीव एंड नो. कोई भी किसी के साथ भी अगर गुस्सा आता है तो हम लोग को गुस्सा को अगर कहीं हम लोग निकाल नहीं पाते हैं तो वो अंदर ही अंदर हम लोग को पॉइजन कर देता है. तो इट्स नीड टू बी गेट आउट समवेयर एल्स. तो वही चीज़ बैटमैन करते रहता है. कि बैटमैन वो जिधर भी जाके वो लो लेवल क्रिमिनल्स को पकड़ पकड़ के वो पूरा पीटता है, पूरा खतरा पीटता है, अधमरा कर देता है. लेकिन एट ए टाइम वो सीखता है कि भाई वेंजेंस नॉर्मल पीपल हैं वो लोग को डर लग रहा है, लेकिन जो क्रिमिनल्स हैं वो लोग भी डर रहे हैं. लेकिन देर आर अदर क्रिमिनल्स हु गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम कि अपन को भी वेंजेंस लेना है, अपन को भी बदला ही चाहिए, लेकिन अपन लोग का वे में. तो वैसे करके लेकिन देन बैटमैन वही सब चीज़ को झेल के करते करते डूइंग से ही सीखते हैं, गलती से ही. देन ही केम टू रियलाइज कि नहीं, अब वेंजेंस पाथ इज़ नॉट गुड, पीपल नीड समथिंग मोर. जस्ट लाइक फेथ विच इज़ अनब्रेकेबल. मतलब ये क्रिमिनल लोग समझ नहीं पाएंगे व्हाट इज़ फेथ, यू नो. और जो गुड पीपल नॉर्मल पीपल होते हैं ये लोग समझ पाते हैं. ये लोग को चाहिए ही फेथ. और जो क्रिमिनल्स होते हैं वो लोग को चाहिए डिस्ट्रक्शन, कैओस. सो दैट्स. और ये चीज़ मुझे फिल्म के ख़त्म होने आते आते मुझे बहुत पसंद आया कि बैटमैन इन द एंड वो समझता है कि नहीं वेंजेंस इज़ नॉट गुड, क्योंकि ही इंस्पायर्ड क्रिमिनल्स. आई वॉज हैविंग अ बैड डे टू डे, सो आई स्टार्टेड टू वर्क एंड
came to the our river where I sit in the water for at least 15 minutes. Then my brain got refreshed. Then idea came out ki chalo video bana bhi pro, you can do it. At least kya banana hai nahi pata, at least collect some data. Then when it's come to editing, you will figure it out ki what to upload. So that's how it works. So this is it, people. Meet you tomorrow. Bye.